मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस थी, अब टिकट बदल कांग्रेस हो गई है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पन्ना दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम बोले, दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया। लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन को, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया। हम जा रहे हैं गर्व के साथ जनता के बीच में जन समर्थन मांगने, और जो वातावरण पूरे प्रदेश में है पन्ना जिले सहित, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश में। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस थी, अब टिकट बदल कांग्रेस हो गई है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, पन्ना।